नमस्ते, कैसे हो प्यारे दोस्तों। मैं हूँ विजयम रवि हेमा फाउंडेशन से। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रस्थापित करने से एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे हैलो अल्काइन भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन में हैलोजन के प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप हैलो एरीन का निर्माण होता है। हैलो अल्केन्स को वर्गीकृत किया गया है फ्लूरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो यौगिकों के रूप में। मौजूद हैलोजन के प्रकार के अनुसार मोनो डाई ट्राई टेट्रा हैलो अल्काइन्स के रूप में। इनके अणुओं के क्रमश 1, 2, 3, 4 आदि के अनुसार हैलोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं। अब यहाँ उससे रिश्ता कैसे जुड़ा हुआ है? हैलो अल्काइन्स और हैलो एरिन्स एक स्थिर यौगिक है, जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का संबंध बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है, सहसंयोजक बंधनों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के माध्यम से। इन स्थिर यौगिकों से हाइड्रोजन परमाणुओं को या तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन जैसे अन्य हैलोजन द्वारा प्रस्थापित किया जाता है। दो कार्बन परमाणुओं और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच वे अतिरिक्त रेडिकल भी जोड़ सकते हैं, या जब वे एक स्थिर संयोजन में प्रवेश करना चाहे तो हटा सकते हैं। ये विशुद्ध रूप से एक रिश्ता है, ये एक संबंध निर्माण अभ्यासक है। उनके एक या सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को साझा करना और उन हाइड्रोजन परमाणुओं को एक अल्केन में हैलोजन के साथ प्रतिस्थापित करना, और ये निस्वार्थता का कार्य है। इसके अलावा उदारता भी दिख रही है, स्थिरता या उचित अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्मूलन प्रतिक्रियाओं को दूसरों के साथ किसी के रिश्ते से नकारात्मकता को हटाने के बराबर माना जा सकता है। हम ऐसा कह सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ये सभी यौगिक सहसंयोजक बंधों के साथ बहुत लोकप्रिय है, और कार्बन में सहसंयोजक बंध देखभाल साझा करने के लिए आदर्श उदाहरण है, और रिश्ते में बस यही चीज मायने रखती है। अगर किसी रिश्ते को मजबूत बनाना है तो बिना शर्त समर्पण देने और लेने की नीति, विचार करना और नकारात्मक विचारों को दूर करना, ऐसे रिश्तों में ये सब संभव है। अब आप यहाँ कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे।